नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को आप अवश्य करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 1150 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,80,032 तक पहुंच गई है। राज्य के दो जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 201 और पूर्णिया में 101 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,20,464 सैंपल की गई है। अब तक राज्य में 59,292 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 20, अरवल में 11, औरंगाबाद में 38, बांका में 9, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 34, भोजपुर में 14, बक्सर में 9, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 39, गोपालगंज में 33, जमुई में 24, जहानाबाद में 41, कैमूर में 8, कटिहार में 8, खगड़िया में 9, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 30, समस्तीपुर में 41, मधुबनी में 31, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 42, नवादा में 15, रोहतास में 12, सहरसा में 23, सारण में 21, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 16, सुपौल में 58, वैशाली में 26 और पश्चिमी चंपारण में 28 नए संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। जी हां, बिहार के 9 जिलों में 48% कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, इनका इलाज चल रहा है। इन 9 जिलों में अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सुपौल, नालंदा, पूर्वी चंपारण और सहरसा शामिल है। इन सभी 9 जिलों में 400 से अधिक कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। इनके कोरोना चेन को तोड़ना स्वास्थ्य विभाग के समक्ष चुनौती बनी हुई है। शेष 29 जिलों में संक्रमण के हालात काफ़ी नियंत्रण बनी हुई है। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। प्रदेश के गोपालगंज जिले में बाढ़ ने दस्तक दे दिया है, जिससे आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है। वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से छोड़े गए पानी गोपालगंज में आफत का सबब बन गया है। बता दें कि 3 दिन पहले गंडक बराज से 4,00,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, जिससे गोपालगंज के कई गाँव प्रभावित हो गया है, जिस कारण ग्रामीण गाँव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस भीषण बाढ़ में गोपालगंज के बरौली और वेंकटपुर के कई गाँव पानी में बह गया है। पूरे इलाका में पानी ही पानी भर गया है। 3 फीट तक पानी जम जाने के लोगों से परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया है। बिहार में इस बार दुर्गा पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पंडाल लगने से लेकर चाट गोलगप्पे के ठेले लगने तक कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मेले का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। इस बार लोग घरों में ही मां भगवती की पूजा करेंगे। हर साल की तरह इस साल ना तो पंडाल सजेंगे, न ही प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर मेला लगा और पंडाल बनाए गए तो नियम का पालन नहीं हो पाएगा। इसको देखते हुए डीएम ने पूजा पंडाल और मेला की इजाजत नहीं दी है। सुशांत आत्महत्या केस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। इसके हर पहलू से जांच की जा रही है। अब सीबीआई सुशांत की बहन मीतू प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। मीतू और प्रियंका से पहले भी सवाल जवाब हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुशांत के परिवार पर जांच के दौरान मुंबई पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। यह आरोप अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपनी एफआईआर में लगाया है। सीबीआई रिया की उस एफआईआर की जांच कर रही है, जो उन्होंने मुंबई में सुशांत की फैमिली मेंबर्स के खिलाफ दर्ज कराई थी। बिहार के मुख्य सचिव ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 3 अक्टूबर से शुरू होगी और 20 अक्टूबर 2020 को ख़त्म होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 20 नवंबर के पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया है कि जिन छात्रों ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उन्हें रिजल्ट की ज़रूरत है, उनकी परीक्षा को 15 दिनों में लेकर उनके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम मंगलवार को राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही है। पटना आने के बाद मंगलवार को ही आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और उसके अगले दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी और दोपहर 3 बजे सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और 26 जिलों के SP SSP के साथ बैठक होगी। अनलॉक 4 के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए अपने शिक्षकों से सलाह व डाउट क्लियर करने को लेकर स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन शहर के ज़्यादातर स्कूलों ने बताया कि अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। साथ ही शहर के विभिन्न स्कूलों में कंपार्टमेंटल परीक्षा का सेंटर भी है, इस वजह से अभी सीनियर बच्चों का स्कूल आकर डाउट क्लियर करने की सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ स्कूलों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने व फर्स्ट टर्म एग्जाम होने के बाद ही बच्चों को स्कूल आकर शिक्षकों से सलाह लेने की अनुमति दी जाएगी। तो राज्य की अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। पटना DM कुमार रवि ने इसको लेकर रविवार को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालय नियमित कार्य दिवस की तरह अपने कार्यों को करेंगे। NTPC बार थर्मल पावर परियोजना का स्टेज 1 की पहली यूनिट उत्पादन के लिए तैयार हो गई है। शिलान्यास के 21 साल बाद इसके सिंक्रोनाइजेशन का काम रविवार को पूरा हो गया, साथ ही 36 मेगावाट तक बिजली उत्पादन भी हुआ। अब इस यूनिट का ट्रायल उत्पादन शुरू होगा, 3 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा। इस तरह 90 दिन बाद बिहार को इसमें 342 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। अगली बड़ी खबर, सचिवालय के पास हजारों की संख्या में स्टूडेंट शिक्षा लोन को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पहले वहां रोका गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। छात्रों का कहना है कि सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले लोन को सुचारू करे। शुभारती विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि पिछले 2 सालों से बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट के तहत मिलने वाले लोन के पैसे पास नहीं कर पाई है। जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई भी किया है उन्हें आज तक लोन के पैसे नहीं मिल पाए। ऐसे में सरकार बदलती है तो उन्हें पैसे कौन दिलाएगा। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और राजद के पूर्व विधायक व अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता मोहम्मद इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन ने सोमवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें जदयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में संसदीय नेता RCP सिंह ने जदयू की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व विधान पार्षद तनवीर अख्तर भी उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की घोषणा के बाद जोर तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। यहां तक कि जो बड़े नेता हैं वे अपने लिए ठिकाना भी ढूंढने लगे हैं। इसी के तहत बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी सोमवार को राजद की लालटेन पकड़ ली है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं अगली बड़ी खबर, राजद ने बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही मध्य प्रदेश और झारखंड की तरह बिहार में 100% डोमिसाइल नीति बनाने का भी ऐलान किया है। रविवार को तेजस्वी ने ऐलान किया कि राजद की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। 60% युवा आबादी और 47% बेरोजगारी का आंकड़ा पेश करते हुए तेजस्वी ने आश्वस्त किया कि नियोजित नहीं सरकारी नौकरी देंगे। राजद ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि किस विभाग में कितने पद खाली है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के 1,25,000 पद खाली है, पारा मेडिकल में 2.5 लाख, शिक्षा सेक्टर में 2.5 लाख, कॉलेज टीचर में 50,000, पुलिस कर्मी में 95,000, इंजीनियर में 75,000 और चपरासी में 2 लाख नौकरियों की पदों में खाली है। और अंत की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही वोटिंग करने की सुविधा का चुनाव सोच समझकर करना होगा, क्योंकि एक बार घर पर वोटिंग की सुविधा सेलेक्ट करने के बाद उन्हें फिर बूथ पर जाकर वोटिंग करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कारण RO को आवेदन देने के बाद एक बार उनके नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो जाता है तो फिर वह चाहकर भी चुनाव के दिन बूथ पर जाकर वोटिंग नहीं कर पाएंगे। पोस्टल बैलेट का चुनाव करने के बाद यदि इसे
कैंसिल कर बूथ पर जाकर मतदान करना चाहेंगे तो भी उन्हें ये मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिले में कुल 36,706 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। इसके लिए उन्हें नामांकन शुरू होने के 5 दिन बाद फॉर्म 12D भरकर उन्हें अपने विधानसभा के आरओ को देना होगा। आरओ आवेदन की जाँच कराने के बाद ही संतुष्ट होकर पोस्टल बैलेट के लिए ऐसे उम्रदराज वोटर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।